ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 8/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा माधवन। आज के ईश्वरीय महावाक्य आत्म रूपी पंछियों के लिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब विदेही बनने का अभ्यास करो, अपने इस विनाशी देह से प्यार निकाल, एक शिव बाबा को प्यार करो। प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होना है, यह सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा, योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो, फिर यह गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को नहीं मिला है। जिनको मिला है वह भी अच्छी रीति चल नहीं सकते। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं, आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव बाधी आत्माओं से करते हैं। देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं, देह से न्यारा बाप और देह से न्यारे बाबा के बच्चे हम आत्माएं, तो आत्मा परमात्मा के साथ में। हम बच्चे किसकी बातें सुनते हैं? आत्म पंछी उस परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनती है ना, ना दिखने वाली और ना दिखाई देने वाला। इस तरह बच्चों से बात करते हैं, वह तो एक ही है। सो तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठा है, तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आए ही हैं पढ़ाने। यह पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के कोई पढ़ा ना सके, ना ब्रह्मा ना विष्णु। यह तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं, सो भी यहाँ ही सुनाएंगे ना। अब कई कई कहते कैलाशपुरी में या इस तरह से सीता को ये हुआ, और कहते हैं कि पार्वती ने सुनी ये सब, तो पापा कहते हैं अब पार्वती के समय पे राम सीता के समय पे ऐसी कोई बात कहने की या कोई कथा सुनाने की तो बात ही नहीं, और सूक्ष्म वचन में तो टॉकी होती नहीं है। और कोई एक सीता या कोई एक पार्वती की तो बात है नहीं, बाबा कहते हैं। तो बाबा अमर कथा सत्य कथा बाबा कहते हैं कौन सुनाते हैं? आकर पतितों को पावन सुनाते हैं ना, तो और बनाते भी हैं पावन। कौन बनाते हैं? पतित पावन आकर। तो अमर कथा सुनाते हैं, सो भी यहाँ सुनाएंगे ना। बाबा कहते हैं अमर कथा
अमरनाथ पर तो बाबा कहते हैं नहीं सुनाएंगे ना, जहां अमरपुरी होगा, जहां सतयुग होगा, जहां है ही अमर लोग, तो वहां ये कथा कैसे सुनाएंगे, दरकार ही क्या है। तो यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है, माना नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की, सत्य पिता सत्य ज्ञान दे करके सत्य कथा, जो हम वापस प्रैक्टिकल में, यहाँ बाबा हमें धारणा दे रहे हैं, प्रैक्टिकल में संबंध है और वहां जाके इसकी प्रलब्धि प्राप्ति होती है, सुख है ना। तो इस तरह से बाबा समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सुनाता हूँ, यहाँ ही हूँ। सुनाता तो बाबा कहते यहाँ ही हूँ, बाकी यह सब है भक्ति मार्ग के धक्के, सर्व का सदगति दाता राम। राम एक निराकार ही है, कहते ना राम नाम जप लो रे जीवन सफल हो जाएगा। अब कौन सा राम और कौन जपने वाला, किसको जपना है, यह भी तो पता होना चाहिए। तो आत्मा जपती है निराकार राम को, तब आत्मा ही फिर पतित पावन आकर आत्मा को ही पावन बनाते हैं, पुण्य आत्मा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मैं तुमको सुनाता ही यहाँ हूँ, है ना। तो एक राम निराकार ही है, वही पतित पावन ज्ञान का सागर शांति का सागर है, वह आता ही तब है जब विनाश का समय होता है। सारे जगत का गुरु तो एक परमपिता परमात्मा ही हो सकता है, वह है, वह निराकार है ना। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता है, परंतु वह देवी गुणों वाले मनुष्य है। बाबा कहते हैं देवताओं को भी क्या कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है, परंतु वह देवी गुणों वाले मनुष्य हैं। दाता, दाता के बच्चे बन करके क्या देते हैं ना सबको, सिर्फ और सिर्फ देने की भाव रहती है, दाता बन रहता। देवता कैसे होते हैं, देने वाले है ना। तो बाबा कहते हैं हो ऐसा नहीं है कि उनके चार भुजाएं होंगी या हमेशा ऐसे वस्त्र पहने रहेंगे या जो भी इस तरह से तलवार किसी में खड़ग किसी में ढाल किसी में शंख किसी में तलवार ऐसे रहेगा, नहीं। वहां बाबा कहते हैं होते मनुष्य ही हैं, कर्म भी करते हैं, मात पिता भी होते हैं, सभी के दो पैर दो आंखें और हूबहू मनुष्य जैसे ही होते, लेकिन वहाँ आत्मा के जो गहने होते हैं वो श्रृंगारित होते हैं। 16 श्रृंगार 16 कलाओं से संपूर्ण निर्विकारी होते हैं मनुष्य, है ना, उन्हें ही फिर देवता कहते हैं। और जो खड्ग गदा और ये तलवार आदि जो दिए हुए हैं तो महावीर आत्माएं, अर्थात इस संगम पर जिन आत्माओं को कोई विकार का वजन, उस वजन को कहना चाहिए विकारों से उसे हल्का ना कर पाए, ये शक्तिशाली जो हमें ज्ञान मिला है, तो जो भी हमारी अष्ट शक्तियां हैं जो परमात्मा आके हमें हमारे सद्गुण देते हैं, बताते हैं, धारण कराते हैं, तो वो सद्गुणों पर वो गदे का वजन रखना महावीर आत्माएं, है ना। सदा उड़ती कला में पवन पुत्र कहते हैं ना, तो पवन पुत्र कौन, जो सदा हल्का होकर के सदैव उड़ती कला में रहे, है ना। तो इस तरह से अष्ट शक्तियां हम आत्माओं के अंदर ही हैं। कोई चार भुजा कोई कैसे काम करेगा अगर आपके हाथों में वो सब रहेंगे, और पहली बात तो सतयुग में ये सब की दरकार ही नहीं, क्योंकि वहां तो कोई भी इस तरह से तलवार आदि लेने की जरूरत ही नहीं, कोई दुख देता ही नहीं है किसी को कुछ करने के नहीं। बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा ही लड़ाई करती है आत्मा से,
और योग से फिर उसे जीतना होता है, विकारों पर जीत पहननी होती है। अच्छाई और बुराई की जीत कहते हैं ना, तो बुराई पर अच्छाई की जीत है ना, अहंकार पर जीत। तो इस तरह से बाप हमें बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं वहां भी देवी गुण मनुष्य ही हैं, देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता, परंतु वह देवी गुणों वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता। अब असुर किसे कहेंगे, जो असुरी काम करता है। कहते हैं ना कि तुम तो बिल्कुल राक्षस हो, क्योंकि उसकी हरकतें, उसके कर्म ऐसे होते हैं कि ये शब्द तो आत्मा वो बुरे कर्म करती है, असुरी कर्म करती है, तो उसे असुर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि रावण के 10 शीश होंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको अभी ज्ञान मिला है, ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है, जितना हो सके पाप को याद करना है, विदेही बनना है, फिर देह से प्यार ही क्यों करें। बाबा तुमको कहते हैं शिव बाबा को याद करो, फिर इनके पास आओ। मनुष्य तो समझते हैं यह दादा से मिलने जाते हैं, है ना। सेंटर आदि में जो भी जाता है ना, तो ब्रह्मा बाबा को ही देख करके बोलते हैं कि इनसे मिलने जाते होंगे। तो यह तो तुम जानते हो, शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं। वहां तो है ही, बाबा कहते हैं निराकारी आत्माएं बिंदी बिंदी से तो मिल ना सके, तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे, यह भी बात है, है ना। और बिंदी बहुत छोटी है, इसीलिए बिंदी क्या होती है, खसक जाती है, याद नहीं रहती ना, टक खसक जाती है वो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बिंदी से थोड़े मिल सकेंगे, तो शिव बाबा से कैसे मिले, इसलिए यहाँ समझाया जाता है। हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझ, बुद्धि में यह रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं, यह तो बड़ा गुहा राज है ना। कईयों को शिव बाबा की याद नहीं रहती है, बाबा समझाते हैं हमेशा शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा कभी नहीं कहते कि मुझे याद करो, है ना, हमेशा कहते हैं कि इनको याद करो, परमात्मा को याद करो। शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं, वह भी निराकार आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते हैं मामी कम याद करो, सो तो बुद्धि से याद करना है। हम बाप के पास आए हैं, बाबा इस पतित शरीर में आए हैं, हम सामने आने से ही निश्चय कर देते हैं। शिव बाबा हम आपके बने हैं, मुरलियों में भी यही सुनते हो, मामी कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म भी नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो यह वही पतित पावन बाप है, सच्चा सच्चा सतगुरु वह है। अब तुम पांडवों की ही है परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि और विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो विपरीत बुद्धि होंगे विनाश काले वो हाय हाय, और जो विनाश काले प्रीत बुद्धि होंगे तो वाह वाह है। तो यह बाबा कहते हैं कि अब तुम पांडवों का है परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि, बाकी सभी की तो कोई ना कोई के साथ विपरीत बुद्धि है। शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा रहना चाहिए, जितना समय नजदीक आता है उतनी खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब यह अंतिम जन्म है, हम जाते हैं अपने घर। यह सीढ़ी तो बड़ी अच्छी है, इसमें क्लियर है, तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। चित्र बनाने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है, जो हेड्स हैं उन्हों का ख्याल चलना चाहिए। तुम तो चैलेंज देते हो सतयुग की श्रेष्ठाचारी देवी राज्य में 900,000 होंगे, कोई बोले इसका क्या प्रूफ है, कहो यह तो समझ की बात है ना। सतयुग में झाड़ होगा ही छोटा, धर्म भी एक है तो जरूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। अब यहाँ तो जास्ती धर्म है तो जास्ती झाड़ है ना,
तो बाबा कहते हैं सीढ़ी में सारी नॉलेज आ जाती है। जैसे यह कुंभकर्ण वाला चित्र है तो यह ऐसा बनाना चाहिए। बीके ज्ञान अमृत पिलाती हैं, वे विष विकार मांगते हैं। बाबा मुरली में सब डायरेक्शन देते रहते हैं। हर एक चित्र की समझाने बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बोलो, यह भारत स्वर्ग था, एक धर्म था, तो कितने मनुष्य होंगे। अब कितना बड़ा झाड़ हो गया है, अब विनाश होना है। पुराने सृष्टि को बदलने वाला एक ही बाप है। चार पांच चित्र हैं, मुख्य जिससे किसको धक से तीर लग जाए। ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान के पॉइंट्स गुहा होती जाती है, तो चित्रों में भी चेंज होगी, बच्चों की बुद्धि में भी चेंज होती है। आगे यह थोड़े ही समझते थे कि शिव बाबा बिंदी है, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि पहले ऐसा क्यों नहीं बताया। बाप कहते हैं सब बातें पहले ही थोड़े ही समझाई जाती हैं। एग्जाम के लिए कोई आपको क्वेश्चन बता देगा तो फिर कैसे आपका परीक्षा अर्थात पर दूसरे की इच्छा पर खरे उतरना अर्थात दूसरे की इच्छाओं का क्या करना, सही उत्तर लिख उस परीक्षा में पास होना, तब आप दूसरे क्लास में जाते हैं, है ना। तो पर इच्छा मतलब उसकी इच्छा के अनुसार आपको चलना नहीं है, आपको उसके उत्तर को सही लिखना है, उसकी इच्छा का। तो इस तरह से बात बाबा हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं पहले से कैसे समझाए, है ना, सारी बातें। तो बाप ज्ञान, बाबा कहते हैं कि बाप ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान देते ही रहेंगे, ज्ञान सागर है। अब खुद खजाना है ना, वो तो है ही। कहते भी हैं कि पूरे दुनिया में बाबा का जो ज्ञान है ऊंचते ऊंच, संसार का सबसे ऊंचते ऊंच ज्ञान कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसके बिना सदगति नहीं। क्या डॉक्टर के ज्ञान से सदगति होगी, क्या इंजीनियर के ज्ञान से सदगति होगी, वो तो शरीर निर्वाह के लिए इंजीनियरिंग डॉक्टरी होती है। क्या गांधी जी ने जो पतित पावन सीताराम कहा उस ज्ञान से सदगति, तो नहीं। ऊंचते ऊंच ज्ञान, ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर आकर के ज्ञान दाता बन हमें ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, खुद की पहचान देते हैं, और तीनों कालों का, चारों योगों का, आदि मध्यंत का ड्रामा समझा करके, हमें 84 का राज बता करके, इस मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का राज समझाते हैं। वही जाने जानन हार जो आत्मा का नॉलेज परमात्मा के पास में है, इस मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का। तो यह ज्ञान उसके अलावा कोई दे ना सके। बाबा कहते हैं ज्ञान है मेरे पास तो मैं देता हूँ, है, और देते ही रहेंगे। करेक्शन होती रहेगी, पहले से ही थोड़ी बता देंगे फिर आर्टिफिशियल हो जाए, अचानक कोई इत्तफाक आदि होते रहेंगे फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं, यह नहीं होना चाहिए। मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई, ड्रामा में जो हुआ सो राइट। बाबा ने भी जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा, ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है। बाबा भी ड्रामा पर रख देते हैं। मनुष्य कहते हैं ईश्वर की भावे, ईश्वर ने कराया, ईश्वर ही कराएगा, तो ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भावे। ईश्वर ने बोला या इसने बोला, ड्रामा में था। तो ब्रह्मा बाबा बोले या ईश्वर बोले, तो वो तो बाबा कहते कि ड्रामा की भावे, जो होना था सो हो रहा है और जो हुआ सो हो रहा है, है ना। तो इस तरह से पापा कहते हैं कि ईश्वर ने बोला या इसने बोला, ड्रामा में था सो हुआ। कोई उल्टा काम हुआ ड्रामा में था, फिर सुलटा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर है, चढ़ाई पर जाते हैं कब डगमग हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं। तो यह सब माया के तूफान है।
जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे, सतयुग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात ही नहीं। बाबा कहते सतयुग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते, बाकी थोड़े रोज हैं, खुशी रहती है। यह हमारा अंतिम जन्म है अब अमर लोक में जाने के लिए। श्री बाबा से अमर कथा सुनते हैं, यह बातें तुम ही समझते हो। वो लोग कहाँ कहाँ अमरनाथ पर जाकर धक्के खाते रहते हैं, यह नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। वहां तो शिव का चित्र दिखाते हैं। अच्छा, शिव किस में बैठा? शिव और शंकर दिखाते हैं। क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई? हाँ, शिव शंकर को इकट्ठा दिखाते तो बाबा कहते क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई होगी? तो कुछ भी समझते नहीं है। भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ करने जाते रहते हैं। कथा भी वास्तव में बड़ी नहीं है, असुल है मन मना भव। बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो। बीज मंत्र कहते हैं ना, तो बीज और मंत्र कौन है? बीज है शिव और मंत्र है मन से उसे याद करो। तो बीज को याद करना, बाबा कहते हैं ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वह ज्ञान हमारी आत्माओं में भी है। वह भी ज्ञान सागर, हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर। ज्ञान सागर ने मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। नशा चढ़ना चाहिए ना। वह हम भाइयों आत्माओं को सुनाते हैं, सुनाएंगे तो शरीर द्वारा ही, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाप को याद, बाबा कहते बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, ममत्व मिटता जाएगा। कोई का नाम मात्र प्यार होता है, हमारा भी ऐसा है। अभी तो हम जाते हैं सुख धाम, यह तो जैसे सब मरे पड़े हैं, इनसे दिल क्या लगानी है। शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आकर राज्य करेंगे। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग्य, जो होते हुए भी ना दिखाई दे है। तो बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाने का है। विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, योग में रहे। कोई बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। यह ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीकी लाधी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। मेरा बाबा मेरा बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है, एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। दूसरा है ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। वरदान है दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं बाबा कहते स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। यदि आपकी झोली खाली होगी तो आप दूसरों की झोली कैसे भरेंगे?
तो स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जब आपके अंदर प्रेम होगा तो प्रेम आप दे पाएंगे, आपके पास कड़वाहट होगी तो आप कड़वाहट देंगे, आपके पास में शक्ति होगी तो शक्ति का दान करेंगे, आपके पास सहन शक्ति या समाने की शक्ति या जो भी बाबा ने शक्तियां दी हैं उसका आपके पास होगा तब तो आप दूसरों को बांट पाएंगे ना। तो जो आपके पास होगा वो आप दूसरों को भी दे पाएंगे, जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना, तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। आज का स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करने हैं तो गंभीरता का गुण धारण करो, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करने हैं तो गंभीरता का गुण धारण करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, पहला निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। यह तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं कि अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है। क्वेश्चन तो वो पूछते हैं, क्या तुम उस समय बैठ उनके उनको देखते हो कि कैसे परमात्मा आता है। क्वेश्चन अब इस पर समझाया जाता है कि परमात्मा के प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उसके शरीर के कोई नयन चयन बदली हो जाती है, नहीं, परंतु हम जब ध्यान में जाते हैं तब नयन चयन बदली हो जाता है, परंतु इस साकार ब्रह्मा का पाठ ही गुप्त है। जब परमात्मा इसके तन में आता है तो कोई को भी पता नहीं चलता उसका यह तन रिजर्व किया हुआ है, इसलिए सेकंड में आता है, सेकंड में जाता है। अब इस राज को समझना, बाकी ऐसे नहीं कि कोई पॉइंट समझ में ना आवे तो इस पढ़ाई का कोर्स छोड़ देना है। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन गुहा और क्लियर होती जाती है, सारा कोर्स एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे ना। वैसे आपको समझाया जाता है और जो भी धर्म पिताएं आते हैं उन्होंने भी अपनी अपनी पवित्र आत्मा आए अपना पाठ बजाती है, फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना है, वो वापस नहीं जाते। परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वो सुख दुख से न्यारे हैं, तो वो सिर्फ अपना पाठ बजाए फिर चले जाते हैं। अब इस धरा पर जन्म लें, माँ के कोख में आए तो वो दुख में भी आए हैं तो, लेकिन वो तो दुख सुख से न्यारे हैं तो वो आकर चले जाते हैं अपना पाठ बजाकर। तो इस पॉइंट, इस ही पॉइंट को हमें बुद्धि से समझना है। दूसरा है आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क, बहुत ही बहुत अच्छा पॉइंट है। आत्मा और परमात्मा का अंतर भेद इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योतिर्रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण हैं वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है, कोई हम नहीं कर रहे हैं काम। आत्मा को परमात्मा से बल मिलता है और परमात्मा के बल से ही ये संसार चलता है, तो मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती,
उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है ना। तो बाबा कहते कि बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती है, परमात्मा का ही सारा पार्ट चलता है। भल परमात्मा पार्ट में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है कोई, बाबा कहते, लेकिन आत्मा पार्ट में आते भी पार्टधारी के रूप में आ जाती है। आत्मा पार्ट में आते भी पार्टधारी के रूप में आ जाते हैं, परमात्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है। कितना गुहा राज है। आत्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर भेद। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।